जया वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोबर धोनो कालिंदी जमुना जय जय महाबलो ऋषि घाट वंशी बट द्वादश कनन जहाँ सब लीला कइल श्री नंदेर नंदन श्रीनंद जशोदा जय जय गोप गण सीतामादि जय जय धनुवत्स गण जय वृषभानु जय कृतिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय आभिर नगरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन माधो जय जय कृष्ण शाखा बटु द्विजराजो जय राम भाटो जय जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जनो जय राम भाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जनो जय राम भाट जय रोहिणी नंदन
जय दीज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति ते जहारा पायलो गोविंद चरण श्रीराश मंडला जय जय राधेश्याम जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय उज्जल रस सर्व रस सारो परोकिया भाव जहा ब्रजेते प्रचारो जन्न बपाध पद्म करिया स्मरण दिन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Nitai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur भक्ति प्रमोदको पुरी मुषित्वा भक्ति प्रमोदको पुरी उपाशो भक्ति प्रमोदाखो पुरीं प्रणम्यो भक्ति प्रमोदां लभते जनमै नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने शिवार्षो भानवी देवी दयिताया कृपाब्धये कृष्णा संबंध विज्ञानो दयिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्यो शिरुपानुभ भक्ति दा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी स्मृतये दिनतारिणे शिरुपानुगो विरुद्ध अपसिद्धान्तो धान्तो हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भार सम्बोधि
पदम भुजयती नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगभरायते गौराविर्भावभूमिष्ठं निर्दिष्टासज्जनप्रियः वैष्णव सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्रो नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदावि तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च श्री विष्णु भक्ति पदे देवी शतवत्तई नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। All glories to His Divine Grace Śrīla Bhaktivedānta Narayana Gosvāmī Mahārāja. All glories to His Divine Grace Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja. All glories to assembled devotees here. So today, आज इसी मंदिर में हमारा पहले आए थे 5 साल पहले इसी मंदिर में दूसरा टाइम हुआ, दोबारा हुआ प्रोग्राम। पहली बार जब प्रोग्राम किया था उसी समय तो दंडी महाराज थे, बात किया था, कथा किया था एकादशी के बारे में। तो आज का दिन में हमारा हर एक मंदिर में दिखाई दे रहा कि ये हमारा पूर्वज को जितना पे पूर्वज है सब छोटा रूप से दिखाई दे रहा ना क्या।
कोई प्रचार नहीं है। हमारा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिनको कृपा से हमारा सारा गुरु वर्ग मिला, मतलब हमारा गुरुजी भक्त प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी, भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जितना सब गुरुवर्ग है आया क्या ऐसे, जो सबको खींच के लेकर आया, जिनका जिनका स्वभाव ऐसा था, भक्ति में इतना ऊंचाई था, भक्ति को इतना भक्ति क्या भक्ति इतना ताकतवान थे, सारी सब को खींच के लेकर आया। आज हम इस मंदिर में नहीं, हर एक मंदिर में दिखाई दे रहा जो प्रभुपाद जी का तस्वीर छोटा रूप से है। सुनाई दे रहा तो प्रभुपाद जी का तस्वीर आज छोटा पड़ गया। कितना होना चाहिए बोलिए, प्रभु जी कितना होना चाहिए? शिला प्रभुपाद जी का तस्वीर बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, कितना? क्योंकि जिनके द्वारा हमारा सारी गुरुवर्ग को मिला, और जो प्रभुपाद हमारा राधा रानी के सबसे प्यारा प्रणाम मंत्र में ऐसा बोल रहा कि जे शिवार्ष भानवी देवी कौन है, राधा रानी है, विश्वभानु महाराज का बेटी राधा रानी, द्वैताय कृपा मध्ये, द्वैत मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रियो माने प्यारा, बहुत ही प्यारा, किसका प्यारा? राधा रानी का प्यारा। इसलिए प्रणाम मंत्र में ऐसा ही लिखा गया, शिवार शोभानवी देवी द्वैताय कृपा बधये, राधा रानी का प्यारा कृपा करके हमारे पास आए। किस चीज देने के लिए आया? माधुर जजल प्रेमाढ़ो, माधुर्य मतलब मधुर रस भजन क्या होता, लेकिन ऐसा देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। प्रभुपाद जी बोल रहा राधा रानी का इतना लीला उतना लीला बोल रहे ना, प्रभुपाद जी जो कुछ शिक्षा दिया, शिक्षा ऐसा दिया, विधि मार्गो रतो दाने स्वाधीनता रत्न जाने, राग मार्गे करान प्रवेश, विधि करो पहले, सुबह उठो आदित्य दर्शन करो, पूजा करो, भोग चढ़ाओ, भोग हाथ से पकाओ, प्यार से भक्त चढ़ाओ, भगवान को खिलाओ पिलाओ, ये सारी चूज करते करते भगवान के साथ जो संबंध होगी, उसी समय हमारा मधुर रस का स्वाद चखने का स्वाद मिलेगा, मौका मिलेगा।
मधुर रस का स्वाद जो चखना वो मौका मिलेगा, इसके पहले तो नहीं मिलेगा। किताब पढ़ के प्यार नहीं होता, होता प्यार होता। किताब पढ़ के देखो बच्चे बछड़ा जो दिया गैया, गाय जो बछड़ा दिया गाय को, गाय पहले तो गाय कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ किताब पढ़ा। जब बच्ची पैदा किया उसके बाद बच्ची को किस तरीके से प्यार करने होगा पता चल गया, या कि नहीं? पढ़ाई करके नहीं होगा, सेवा करते करते संबंध बनेगा, असंबंध से वो मधुर रस का सेवा मिल, सेवा का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। ऐसा ही इसलिए मंदिर, और मंदिर में भगवान को रख दिया, लेकिन भगवान का जो भक्त भगवान का भक्तों का प्यार नहीं किया, भगवान के साथ प्यारा है लेगा, ऐसा भगवान बोल रहा। हमारा पूर्व आचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया, जो लव माई डॉग फर्स्ट, हमारा कुत्ता को पहले प्यार करो उसके बाद मेरे को प्यार करना, ऐसा शिक्षा क्यों दिया? ऐसा शिक्षा इसलिए दिया भगवान भक्तों को बहुत प्यार करते। जो भी माधुर जल प्रेमा डो रूपाने गो प्रिया श्री गौरव करुणा शक्ति, गौरव मान गौरांग महाप्रभु का करुणा का मूर्ति आज विग्रह धारण करके विग्रह रूप विग्रह बन के मतलब शिला प्रभुपाद रूप से, शिला प्रभुपाद मतलब शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर रूप से प्रकट हुई। मैं समझ में आया कि गौरव करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते, नमस्ते गौरवाणी चैतन्य महाप्रभु का बानी, गौरांग महाप्रभु का बानी, वो भी मूर्ति धारण करके आया। गौरव करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते, उसके बाद ही बोला नमस्ते गौरवाणी शिमूर तो ये दिन होता, मूर्ति धारण किया गौर और बाणी, गौरांग महाप्रभु का बाणी आज मूर्ति धारण करके हमारे पास आया। हम लोग मंदिर जो चला रहा, मंदिर का पहले गौरांग महाप्रभु का, मैं गौरांग महाप्रभु भक्तों का सेवा नहीं होगा तो राधा कृष्ण का सेवा कर पाओगे? तो आज देखो पूरा जितना गुना होना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी के अंदर में सब कुछ है, इसीलिए प्रणाम मंत्र में ऐसा ही लिखा गौरव बानी शिमूर्त यदि नोतारी ने रूपानुगो विरुद्धो, जो रूपानुगो जो धारा जो विरुद्ध जो कुछ थे पहले सबको तोड़ तार कर दिया, अपोषिद्धांतो धान तोहारी ने सबको तोड़ तार करके रूपानुगो धारा का जो सिद्धांत तो प्रतिष्ठित किया, वही शिक्षा लेकर के हम लोग चल रहा,
लेकिन आज देखो धीरे धीरे हमारा ऐसा विचार हो रहा, लगता हमारे ऐसा ही लग रहा, आम का पेड़ लगाया, पेड़ तो नीचे जमीन ले लिया, फल तो ऊपर में हो रहा, तो जार तो जमीन ले लिया, जार को काट दिया गया, जमीन क्यों लेगा, फल तो वहीं से मिल रहा, फल चाहिए हमारा, जार काट दो काम हो गया, फल फल मिलेगा, कभी दिन मिल नहीं सकता, जार से सेवा होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का तस्वीर बहुत बड़ा होना चाहिए। सला भक्ति का तस्वीर बहुत बड़ा होना चाहिए, उनका किताब ही हम लोग अनुवाद करके हम लोग बोल सकते हैं हम हमारा किताब है। लेकिन भक्ति विनोद का सिद्धांतों का विरोध, सिद्धांत छोड़कर कोई किताब है कि? देखो आज हमारा परंपरा में आचार्य बोला, इसके बारे में बोला, भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बोला, क्या बोला, गुरुदं ग्रंथदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं भूरिदं नौमि भक्ति विनोदकं सदा। ये प्रणाम मंत्र लिखा, झूठ लिखा न का। गुरुदं मतलब भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको गुरु दिया, पहले हम बोला श्रील प्रभुपाद हम सबको गुरु वर्ग कर दिया, लेकिन सोचो प्रभुपाद को कौन दिया, हम सबको कौन दिया, बोलिए कौन दिया, बोलिए जोर से बोलिए, हाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए बोला गुरुदान, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको प्रभुपाद को दिया, और प्रभुपाद हम सबको गुरुवर्ग को दिया। तो क्या करना चाहिए हम सबको, पूजा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को पूजा करना चाहिए, तो हो रहा कि वो हो रहा कि सिने ठोक के बोलिए ना। इसलिए मंदिर का महिमा गरिमा धीरे धीरे कम हो रहा, हम सब झगड़ा में प्रवेश कर दिया, शिक्षा को टाल दिया, अधिकार को पकड़ने के लिए झगड़ा में लगा दिया। और हमारा क्या, वैष्णव धर्म का शिक्षा ऐसा होना चाहिए, शिक्षा को पकड़ लो, अपना अधिकार को गिरा दो, क्या अधिकार, जो भौतिक अधिकार है सब छोड़ छाड़ कर दो, आसक्ति छोड़ दो। चलो प्रभुपाद जी लिखा, आसक्ति रहित संबंध सहित कर उच्च स्वर हरि राम राम, नामेर प्रभावे स्मरण हईबे सेकाले भजन निर्जन सम्भव। आसक्ति रहित मतलब क्या, जो आसक्ति हमारे पास है, दुनिया का आसक्ति, ये हमारा बेटा, ये हमारा मंदिर, ये हम, मैं गुरु हूं, इसी मंदिर का गुरु हूं, ये मेरे इतना शिष्य है, ये सब छोड़ो, विचार को टालो, संबंध को बनाओ। संबंध कैसे बनेगा, कैसे
सेवा से बनेगा। सेवा का मतलब क्या? सेवा का मतलब है जिनको तुम सेवा करोगे उनका कहता कि सेब्बो। सेब्बो का सुख होना चाहिए हमारा हर कार्यक्रम से 24/7। जो कुछ करो सब सेब्बो का सुख में करो। ऐसा नहीं मंदिर में आकर के दो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, कुछ फल चढ़ा दिया, कुछ दक्षिणा दे दिया और हमारा सेवा हो गया, और मंदिर से बाहर आकर के निंदा करने लगे होगा। भक्तों को निंदा करने से सेवा होगा? झगड़ा करने से सेवा होगा? भगवान का सुख होगा? बोलिए, सोच के बोलिए, कभी भी नहीं हो सकता। सारी जितना सब है सब तो भगवान का दिल का टुकड़ा है, लेकिन एक ही परिवार में, एक ही परिवार में हिरण्यकशिपु जन्म लिया, उसी परिवार में भक्त प्रह्लाद भी जन्म लिया। असुर का स्वभाव तो सब कुछ पकड़ने के लिए, भोग करने के लिए। हम लोग भगवान का भक्त होते हुए ऐसा ही असुर के साथ स्वभाव, असुर स्वभाव करेगा तो असुर स्वभाव लेकर चलेगा तो होगा कि सेवा होगा? फर्क क्या हुआ? असुर हिरण्यकशिपु वो जो किया प्रह्लाद ऐसा किया ना का प्रह्लाद क्या किया? भगवान का सहारा लिया। लिया क्या? कुछ हुआ? भगवान का सहारा ले लिया। हिरण्यकशिपु जितना बुद्धि था सारी बुद्धि लगा के प्रह्लाद को मरने के लिए बहुत कोशिश कर लिया, सफल हुआ? क्यों नहीं हुआ? भगवान जिनका रक्षा करेगा। कहीं लोग कुछ नहीं कर सकता, ये भी ऐसा ही है। इस दुनिया भगवान का द्वारा बना हुआ दुनिया। भगवान ने दुनिया बनाया कैसे? माया दे करके बनाया। एक समय एक परिस्थिति आया, सुखदेव महाराज जी जब जन्म लिया, उनका मम्मी बीटिका का कोख में 13 साल हो गया, निकल नहीं रहा कोख से। महामुनि वेदव्यास ऐसा बोलने लगे, पुत्रो मम्मी का कोख से बाहर आ जाओ। पुत्रो मतलब बेटा, कोख से उत्तर देना, पिता मेरा डर लग रहा है। किसका डर? ये दुनिया को जो माया है, माया का डर बहुत ही है। माया का डर से हम निकल नहीं सकते। तो अब व्यासदेव क्या बोला? बेटा तुम बाहर नहीं आओगे तो तुम्हारा मम्मी तो शरीर छोड़ देगी और तुम करण बन जाओगे। मम्मी का मृत्यु का कारण तुम हो जाओगे। तो क्या बोला? पिता आप भगवान के पास जा करके ऐसा मिनती करना, इस दुनिया से उनका माया को हटा लो,
पुत्र स्नेह में गदगद होकर के व्यासदेव सब कुछ पाता होते हुए भी तब भगवान के पास जा करके मांगने लगे, भगवान हमारा मिनती सुनिए, आपका माया को हटा लो इस दुनिया से। भगवान प्रकट होकर के बोलने लगे, वैश्य तुम हमारा सकता वेश अवतार, सब कुछ तुम्हारा पाता है। ये दुनिया हम सब बनाया तो माया दे करके बनाया, माया को हटा लेगा तो रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा, दुनिया ही रहेगा नहीं। तो व्यासदेव बोला, कट तुम अकट तुम अन्यथा कट तुम मान अनहोनी के होनी कर सकता, होनी को अनहोनी कर सकता, सब कुछ कर सकता, समझ में आया? होनी को अनहोनी कर सकता, अनहोनी को होनी कर सकता। आप तो सब कुछ करने वाला, कुछ तो करिए। हमारा हमारा पत्नी का सब ऐसा परिस्थिति आ गया, कुछ करिए। ठीक है, हम कर सकते हैं एक चीज। गाय का जो सिंह है ना, हॉर्न, सिंह ऊपर क्या होता, राउंड होता, और सरसों का दाना भी राउंड होता। बोला, दूर से बहुत दूर से एक दाना सरसों हम गाय का सिंह का पर फेंकेगा, सरसों का दाना जब तक रहेगी सिंह का ऊपर, सिंह गाय का सिंह का ऊपर, उसी समय तक हमारा माया कम हटा ले। तो आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा न क्या, लेकिन दिया जला के जो आग होता, अंगुली को ऐसा करो ऐसा करो, अग्नि का स्पर्श तो कर लिया लेकिन जलेगा कि कुछ नहीं होगा। देखो, हो एक सरसों दाना कितना समय तक रह सकता गाय का सिंह का ऊपर, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसी समय हटा लिया और भाग भाग के जा रहा। सुखदेव महाराज कोख से निकाल के भाग भाग के जंगल में भाग रहा, और पिता व्यासदेव पुत्र 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 मुख फिरा के दिखाई दिखा नहीं, मुख घुमा के दिखा नहीं, ऐसा विरक्त सुखदेव महाराज। तो सुखदेव महाराज का जन्म हम सबको याद कर देगा, हम लोग हंसते रहे इस दुनिया में। और सुखदेव गोस्वामी जन्म सिद्ध सुखदेव गोस्वामी डरने लगे इस दुनिया का माया को देख के। तो बेवकूफ है कौन? हम सब लोग बेवकूफ है, मैं भी, मैं तो पूरा बेवकूफ है। खुशी खुशी झगड़ा करने लगे, जो भी देखो। तो हमारा प्रभुपाद जी क्या लिखा, संबंध सहित आसक्ति रहित, जो आसक्ति इस दुनिया पर है छोड़ो, आसक्ति रहित संबंध सहित संबंध बना के रखो। क्या संबंध है बोलिए, हमारा परिचय है क्या बोलिए? जीव कृष्ण नित्य दास तहा भूली गेला, मतलब क्या? जीव जिनका जान है, जो इंसान है, कृष्ण का दास
एक दिन का दास नहीं। एक दिन आकर के मंदिर में प्रणाम कर लिया, अब बस सब कुछ हो गया। नो, सप्ताह में एक दिन आकर के संडे फीस्ट में आकर के अकंपनी कर लिया, हो गया, चलो। ऐसा नहीं, एक दिन का दास नहीं, एक सप्ताह का दास नहीं, एक महीना का दास नहीं, एक बरस का दास नहीं, एक जन्म का दास नहीं, जन्म जन्म का दास हम। ये चीज दिमाग में रखना चाहिए। दिमाग से एक चीज छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ लगेगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। अरे नाम तो कर रहा, इतना साल हो गया, नाम का फल क्या, पेड़ तो लगा दिया, पेड़ का फल नहीं हुआ, तुम पेड़ रखोगे? बगीचा में पेड़ लगाया, पेड़ का फल नहीं मिल रहा, तुम पेड़ रखोगे? नाम करने करते करते इतना साल बिता गया, बिता दिया, नाम का जो फल दिनता नहीं हुआ, सहन करना वो भी नहीं हुआ, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे नहीं भागना वो भी नहीं हुआ, झगड़ा क्यों? झगड़ा तो जितना लाभ पूजा प्रतिष्ठा का विचार अंदर में खलबली कर रहा, उतना झगड़ा में झगड़ा करने का प्रवृत्ति होगी। कोई कोई रोक नहीं सकता किसी को। जिनके पास कोई खलबली नहीं, तुम बहुत माला दिया कि नहीं दिया जरूरत नहीं हमारा, हम भगवान का दास हो, कुछ सेवा दो हम करके भगेगा। अरे नहीं सेवा है तो हरिनाम करो, नाम भी भगवान का सुख देगा। इस प्रकार विचार लेना होगा। तो जो आसक्ति रहित संबंध सहित कर उच्च स्वर हरिनाम राम, भगवान हमारा, हम भगवान का हमेशा के लिए दास हो, नौकर हो, हमेशा के लिए नकल हो। ये विचार को दिल पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। यही प्रभुपाद जी शिक्षा दिया। और भगवान का सेवा करने के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, छल कपट चुगलीबाजी नहीं करना चाहिए। तो हमारा विचार तो ऐसा है, आज महाप्रभु का मिशन का जब बगीचा में पेड़ बहुत हुआ, फल नहीं दिखाई दे रहा, हर जगह पे झगड़ा हो रहा, परिवार में झगड़ा हो रहा, ऑफिस में झगड़ा हो, तो मन माया का खेल है। लेकिन सबसे मुश्किल का बात है, समझ में नहीं आ रहा, मंदिर में भी झगड़ा चल रहा, जहां पे हम लोग बोल रहा कि महाप्रभु का मिशन क्या मिशन, झगड़ा मिशन है प्यार का मिशन, बोलिए प्यार का मिशन। आज क्या दिखाई दे रहा, गलती क्या है? महाप्रभु की गलती है ना हमारा गलती है, तो सुधारना किससे, मान किसको चाहिए, हम सबको। तो विचार है सुधारने के लिए। गुरु गुरु ये शब्द सुन के सब लोग डरता, नहीं नहीं हमको गुरु नहीं चाहिए, हमारा गुरुपाद क्यों, बहुत बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
नरोत्तम ठाकुर क्या, नरोत्तम ठाकुर जिसके पास गया था दीक्षा लेने के लिए, किसके पास गया था? वो बोला हम गुरु, हमारे पास आ गया, चल चलो राजपूत आ गया। बोला प्रिंस आ गया दीक्षा लेने के लिए, तुरंत दीक्षा दे दिया कि क्या बोला था? बोला कि जे हमारा विचार है कि ये हम कभी दिन किसी को दीक्षा नहीं देगा, हम गुरु होने का लायक नहीं। लेकिन नरोत्तम ठाकुर सपनों में आदेश, उनका आदेश मिला, महाप्रभु आदेश दिया, तो जाओ कहां पे, वृंदावन में जाकर के लोकनाथ गोस्वामी के पास दीक्षा लो। उसके बाद वृंदावन, छोटा बच्चे 12 साल का उम्र बच्चे, वही बंगाल से पैदल में, कोई ट्रेन नहीं चढ़ते नहीं थे उसमें, पैदल में जंगल का रास्ता पार करके, पहले देखो वही बच्चे को कौन लेके आया, भगवान खुद लेके आया, बांसुरी बजा के भगवान पहले उनको लेके गया कहां पे, जन्नम माता के पास लेके गया। जन्नम माता, उसके बाद जाकर के कृपा मिली, जन्नम माता का कृपा मिली, सब कुछ हुआ। उसके बाद आकर के जब जब मांगा, दीक्षा मांगा, तो लोकनाथ गोस्वामी बोला हम तो किसी को दीक्षा देने का हमारा विचार तो नहीं, हम तो गुरु होने का लायक नहीं, आज का दिन में हम लोग क्या कर रहा हूं, मैं गुरु होने का लायक है? हमारा प्रभुपाद जी भक्ति सरस्वती ठाकुर दीक्षा, क्या दीक्षा दिया कौन, उनका दीक्षा गुरु है कौन, बोलिए शिला गौर कृष्णदास बाबा जी गोस्वामी महाराज। ओके, ऐसा जब गया सब सब दीक्षा दे दिया, क्या बोला, बोलिए क्या बोला? ओ अमर प्रभु आप आए, सब तो ठीक है। प्रभुपाद जी बोला हमारा भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा आदेश दिया, आपके पास दीक्षा लेने के लिए आदेश दिया। दीक्षा देने के आदेश दिया, मेरा तो कोई गुरु होने का लायक नहीं, हमारा विचार भी नहीं और मैं लायक भी नहीं, कौन बोल रहा हूं? परमंश कुल चूड़ामणि चलो गौर कृष्ण दास बाबा जी गोस्वामी महाराज। उसके बाद क्या बोला, ठीक है जब भक्तिमय ठाकुर बोला तो हमको थोड़ा सा तो निताई नित्यानंद प्रभु को, प्रभु नित्यानंद को पूछने पड़ेगा हमको। प्रभु नित्यानंद बोल देगा, आदेश देगा तो जरूर दे देगा। कई बार गया प्रभुपाद जी, ऐसा सुना कि 11-12 बार इस प्रकार बोला कि जे हम तो भूल गया, पूछने के भूल गया, निताई को पूछने के भूल गया। उसके बाद क्या, 1902 साल में एक दिन प्रभुपाद जी शिला गौर कृष्णदास पास गया, हाँ आज हमारा आदेश मिला, आदेश हमारा मिला, दीक्षा तुम्हारा होगी। तब दीक्षा मिला। तो आज का दिन में गुरु बनने के लिए, मतलब इतना आसानी से अच्छा बिजनेस है,
कोई कैपिटल तो नहीं लगेगा, लगता झगड़ा कहीं नहीं, क्यों नहीं होगा? झगड़ा होने का कारण तो ही है ना, लाभ प्रजा प्रतिष्ठा का छेड़छाड़ हो रहा, और हमारा वैष्णव धर्म का विचार क्या है, लाभ प्रजा प्रतिष्ठा को टाल दो। भागो किसका पीछे? हरिनाम का पीछे। भागने से क्या होगा? हरिनाम भगवान से अलग नहीं, नामेरी मध्य आचेन आपने सिहरी, हमारा बंगाल में कहां बात है, नाम का अंदर में भगवान है। और शब्दों में ऐसा ही बोला, भागवत में ऐसा ही बताया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्मा नाम नामिने, अभिन्नात्मा ये शब्दों का विचार करना चाहिए, अभिन्नात्मा अभिन्न अलग नहीं एक ही है, इसके नाम करने का पीछे भागने होगा। नाम करते करते, नाम करने से साधना होता, साधना में शुद्ध रूप से, साधना शुद्ध होने से शुद्ध भक्ति दिल में प्रकट होगा। कितना टाइम होता है? दिल में प्रकट होगा शुद्ध भक्ति, दिल साफ सुफ कर देगा। चेतो दर्पण मार्जन भव महा दाबाग्नि निर्वापन श्रेया कैरव चंद्रिका वितरण विद्वाबोधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। देखो आनंद अम्बुधि, आनंद का लाहे, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदा। हरि नाम हरि हरे हरे शब्दों द्वारा हमारा आनंद का लहर उठेगा इस दिल पे, होता ना क्या होता, किसी को होता हाथ उठा के दिखाओ ना। लेकिन महाप्रभु तो बोला होना चाहिए, तो आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम सर्वात्म स्नापनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये शब्दों महाप्रभु का डायलॉग, महाप्रभु का मुखारविंद से निकले हुआ शब्दों, इस शब्दों में कोई गलती है कि, गलती है कि बोलिए ना, कभी दिन हो नहीं सकता भगवान के निकले मुखारविंद से निकले हुआ शब्दों का कोई गलती तो हो नहीं सकता। जो गलती है हमारा अंदर में है, शब्दों को, शब्दों का परिभाषा को हमने बदल दिया। गुरु होने के लिए हम झगड़ा कर रहा हूं, बोल हम सब करुणा बांटने, महाप्रभु करुणा बांटने के लिए गुरु होना चाहिए। महाप्रभु का करुणा का सबको देने के लिए गुरु होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब करुणा होगी तो झगड़ा का विचार तो नहीं रहेगा। हमारा बात समझ में आया कि, तो हमारा गलती है जो हमारा जो एसेंस है, जो सार है, शरणागति
वो सब टाल दिया। कहां पे शरणागति? गुरु वैष्णव, गुरु मतलब एक व्यक्ति नहीं, सारी परंपरा गुरु होता। गुरु परंपरा का कीर्तन करते हो क्या बोलते तुम लोग? कृष्ण हिते चतुर बोलता क्या? लेकिन हम लोग क्या विचार लिया? हम लोग विचार लिया है कृष्ण हमारा, तुम्हारा मंदिर में कृष्ण है तो तुम्हारा कृष्ण, लेकिन एक गुरुदेव है, दो शिष्य है। गुरुदेव को पैर दबाने के लिए दो शिष्य का दो पैर सेवा दिया। अभी क्या बोलने चाहते याद हो? पता चला कि एक शिष्य एक दिन आया नहीं, तो एक शिष्य आया, उनका जे भाग में है वो वही इच्छा वही पैर दबा रहा। गुरुदेव बोले ये पैर में दबाओ, बोले वो तो हमारा नहीं सेवा। इस प्रकार बेचारे लेकर के तो सेवा नहीं होगी। इसलिए सबको विचार करना चाहिए, सारी सेवा हमारा। इस मंदिर में, इस्कॉन में और कोई गौड़ियों मठ है तो सब शादी में कृष्ण है तो हमारा कृष्ण है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। और जिस तरीका से झगड़ा होता शर्म लगता। कोई जगह पे कोई भक्त घुस गया, इस्कॉन का भक्त है घुस गया, तो अमृतानंद बोलेगा है हमारा हमारा मंदिर का भक्त का पास तुम कीजिएगा। हाँ बोलोगे कि नहीं? ऐसे हो रहा। हम तो हमारा एक्सपीरियंस है। हम एक बार गया था जोहानेसबर्ग में, मैंने बहुत बार गया, पहली बार जो हमको होस्ट किया तो इस्कॉन से फोन आ गया। फोन आ गया क्या ना, तुम गौड़ीय मठ का सन्यासी कहाँ पा, तुम रखा तुम्हारे घर में? तो वो भक्तों उत्तर दिया, अच्छा तुम्हारा क्या, तुम्हारा जो हम डोनेशन देता हम देगा तुम्हारा, तो ऐसा चिंता तुम्हारा क्यों आया? और नहीं तुमको तुमको उनके रखना चाहिए। तो वो एक तो थे तो माताजी थी, माताजी को भक्तों बोला जिसका घर में रुका किया, बोला हम जब बिजनेस मीटिंग में जाते हैं होटल में जा करके कर्मी लोगों के पास बैठ के संग करते, आप लोग कुछ नहीं बोलते हमको। अब हमारा घर में सन्यासी आया, हमको हरिनाम करने का शिक्षा दिया, तुम लोग बोला तो सोला माला करने के लिए, ये हमको चौसठ माला बोल रहा है। तो ये ज्यादा हो, ज्यादा का विचार, हमारा विचार ज्यादा हो गया। इधर गलत जैसी गलती है ना, सही है बोलिए। ऐसा विचार आप लोग करोगे तो हम मंदिर में जाएगा नहीं तुम्हारा। जो बता दिया तब चुपचाप हो गया, ऐसा विचार तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ ऐसा क्यों हो रहा है इसे सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध नहीं हुआ भगवान के साथ, संबंध अभी तक नहीं बना हुआ। हाँ सोसाइटी के संबंध हुआ, सोसाइटी के साथ संबंध बन चुका, लेकिन भगवान का संबंध नहीं हुआ। इसलिए हम सोसाइटी और भगवान दोनों का अलग अलग कर दिया। कौन सोसाइटी? महाप्रभु का सोसाइटी, जहां पे हरि नाम है महाप्रभु भी वहीं पे विराजमान है, नित्यानंद भी वहीं पे विराजमान है।
बोल नहीं सकता, कोई तो टाल नहीं सकता कथा को। इसलिए देखो भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखा, गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौर बन माझे भद्र में दिया छ स्थान आज्ञा दिला मोरे यही ब्रजे बसी हरि नाम कर गान। जहां पे हरि नाम हो रहा वो गद्रुम दीप हो गया, हरि नाम करना चाहिए। मंदिर में क्या होना चाहिए, हरि नाम होना चाहिए ना, झगड़ा होना चाहिए, बोलिए हरि नाम होना चाहिए। हो रहा तो रहा तो अच्छा है, नहीं हो रहा तो सुधारना चाहिए सबको, जो भी हो। उसके बाद क्या बोला, किंतु कबे प्रभु योग्यता और पीबे ये दासे रे दया करी। हरिनाम तो करने के लिए जमीन दे दिया, लेकिन प्रभु क्वालिफिकेशन योग्यता कब देगा। योग्यता तो होना चाहिए, योग्यता क्या है, पढ़ाई में एमटेक चाहिए ऐसा चाहिए, पढ़ाई में एमटेक चाहिए ऐसा होगा, ये गलती नहीं, एमटेक करना गलती नहीं, लेकिन आसल योग्यता क्या है। क्या बोला भक्तों से गुरु, नहीं किंतु कबे प्रभु योग्यता और पीबे ए दासे रे दया करी। चित्त स्थिर हबे, चित्त स्थिर मतलब फिक्स्ड हो जाए कहां पे, भगवान का चरण सेवा में। चित्त स्थिर हबे सकल सहीब एकांते भोजीव हरि। एकांते मतलब दिल पर भगवान का सेवा करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, संडे फिस्ट में सबको शाम को आरती करने के लिए सबको भीड़ जाम लग जाए, ट्रैफिक लग जाता है, क्यों, और संडे में बहुत लोग आएगा, दिखेगा हम पुजारी बन गया ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और अलग दिन में समय है तब भी जाएगा नहीं। हमारे पास समझ में आया कि लोग जब जोड़ेगा सद में तब हम पूजा, हम तो पुजारी बन जाएगा। सब लोग प्रणाम करके प्रणाम ही देगा, हाँ बहुत अच्छा राइट। ऐसा नहीं, हमारा चित्त को फिक्स्ड करना चाहिए, कहां पे, भगवान का चरण पे। कैसे होगा, हरिनाम, हरिनाम में चित्त स्थिर होगा तो भगवान में चित्त भी स्थिर होगा, और भगवान का चित्त, भगवान का चरण में, चरण सेवा में चित्त स्थिर होगा तो सकल शैव, जितना प्रॉब्लम है सबको सहन करने का क्षमता भगवान देगा। कई लोग स्लैंग लैंग्वेज यूज कर दिया, तुम्हारा क्या होगा, गुस्सा होगा कि इडियट, ऐसा बोलने तुम्हारा गुस्सा हुआ कि नहीं, बोला बोलिए ना, हंसो पहसो ना, आप बोलिए ना, आपका क्या विचार है, बोलिए ना। देखो जिनका विचार में आ गया हम इडियट नहीं, हम कोई स्लैंग लैंग्वेज का जो भी तुम बोलने का बोल लो, हम तो ऐसा नहीं, हम तो भगवान का हमेशा के लिए नकुल है। कोई लोग बता दिया ए बोला बेंगलोर अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है, हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, कभी दिन होगा नहीं। तुम्हारा स्वरूप पता चल गया
तुमको जो कुछ जो बोलने वाले तुम बोल लो, लेकिन हमारा तो पता है मैं कौन हूं कौन। देखो एक कहानी, मोदी जी को कितना गाली दे है हमारा ममता, जितना सब है कितना गाली दे रहा, कुछ बोला? मैं तो है तो प्रधानमंत्री ना, क्या उनको पता है हम प्रधानमंत्री हैं भारत का। इस प्रकार जब हमारा दिल पर ऐसा विचार प्रतिष्ठित हो गया, मैं भगवान का हमेशा के लिए नकोड़ हूं, भगवान का सेवा हमेशा के लिए करना, नाम करते करते देखो एक चीज बोला क्या रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा ही बोला मनो शिक्षा में, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या सेवा मिहो तनु, ब्रज में बहुत राधा कृष्ण का सेवा है, वो सेवा नाम करते करते दिल से करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं बोले? दिल में सेवा का चिंता होता कि दिल में उल्टा सीधा चिंता होता, बोलिए क्या? तो उल्टा सीधा चिंता हो रहा, सोचो कीजिए अभी भी दिल में बहुत कुछ खलबली चल रहा, प्रतिष्ठा का खलबली चल रहा, गंधा चीज है नाम पूजा प्रतिष्ठा का है अभी भी, वो साफ सुधा होना चाहिए। साफ सुधा करने के लिए क्या चाहिए? नाम करना चाहिए। इतना अच्छा विचार, इतना अच्छा सब शब्दों को, इतना सिद्धांत को हमारा गुरुवर्ग से देखे गया, सारी गुरुवर्ग को सिद्धांत को हम टाल दिया, हमारा माइंड कंकॉक्शन को आगे रख के चल रहा, इसीलिए झगड़ा चल रहा, शरणागति का अभाव हो गया। सबको ऐसा ही विचार करना चाहिए, भगवान का पास शरणागत हो तो भगवान का सारी भक्तों के पास शरणागत होना चाहिए, संग करना चाहिए उसी भक्तों का जो हमारा भाव से एक है, लाइक माइंडेड है, और सबको दूर से संबंध दो, झगड़ा मत करो, निंदा मत करो, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? रक्षा करने वाला है कौन? भगवान अथवा सोसाइटी? है अमृतानंद, रक्षा करने वाला है कौन? भगवान और सोसाइटी, बोलिए भगवान। तो भगवान का पास सहारा लेने के लिए भगवान का सारी भक्तों का सहारा। उन्होंने एक भक्त बोला, जब गुरु जी बोला एक पैर में दबा रहा, बोले एक पैर में तो पीड़ा हो रहा तुम दबाओ, ये हमारा नहीं उनका, वो आया नहीं तुम्हारा होगा नहीं, चलो। ऐसा तो सेवा नहीं होगा, इसलिए सबको विचार करना चाहिए। टाइम कितना बोला? 7:45 ना, तो ठीक है। तो जो भी हो, हम तो शुरू किया तो इस प्रकार, जो शुरुआत में क्या बोला, हम जो सबको विचार करना चाहिए, बगीचा में पेड़ लगाया फल नहीं किया, फल मिल नहीं रहा, क्यों? हरिनाम करते करते इतना दिन बीत गया, हरिनाम का जब फल, हरिनाम का जब खुशबू, आनंद आनंद नहीं हो रहा। जो महाप्रभु बोला कि प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, हार महाप्रभु का हार शब्दो, महामंत हार शब्दो पूरा रूप से अमृत का स्वाद देगा, लेकिन अभी महामंत्र शब्दो कैसे पूरा होगा, और कैसे महामंत्रों का माला रख के टीवी देखने का विचार हम लेगा? इस प्रकार विचार करने से, विचार दिल में है तो सोचो कि हम तो अभी भी नीचे में ही है, और जितना
भगवान का कृपा होगी, दिल पर विचार होगी, उतना ही दीनता होगी। यही वैष्णव धर्म का आभूषण है। आभूषण दीनता, आभूषण सहन करना धर्म का आभूषण। इसलिए भक्त ने बोला चित्त स्थिर हबे सकल सहिब एकांते भजिब हरि। चित्त को पूरा रूप से स्थिर करके कहां पे भगवान का चरण पर तुम जो कुछ बोलने बोला बोलो। कोई लोग बोल रहा ये भगवान का भक्त नहीं, ऐसा कर रहा तैसा कर रहा, गाली देगा। ये तुम्हारा विचार क्या है? अंदर में विचार, हमारा सेवा मिल गया तो जो कुछ करने हो करो, हमारा इस दुनिया का कोई पद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमारा। माया देवी इस प्रकार धोखा देता, माया देवी हमको सबको परीक्षा लेता, सचमुच भगवान का चाहिए दुनिया का कोई लाभ चाहिए, परीक्षा करने के लिए माया देवी बहुत कुछ लेकर के आएगा, प्रतिष्ठा लेकर आएगा, बहुत भक्तों पीछे पीछे भागेगा, पैसा लेके भागेगा। लगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। माया देवी परीक्षा लेते इस प्रकार। इसलिए देखो इस प्रकार हम सबको शिक्षा दिया चलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कभु भक्ति नदन राखें लुकाइया। भक्ति को छुपा के रखता भगवान। भगवान के पास भोग चाहिए, भुक्ति चाहिए, दे देगा। मुक्ति चाहिए वो भी दे देगा। भक्ति माया देवी तुम जाओ परीक्षा लो, बहुत कुछ दे देगा तुमको। गुरु बनोगे ठीक है, गुरु बन जाओ। शिष्य चाहिए, शिष्य मगन पीछे भगा देगा सब, हजारों हजारों शिष्य भगा देगा। और इतना शिष्य इतना बड़ा गुरु हो गया। अरे कली युग में ये प्रभाव देख के, ये प्रभाव देख के गुरु को चुनना एक गुड़वा कमा था। गुरु को चुनने के लिए असली गुरु को पुकारना चाहिए। असली गुरु है कौन? कृष्ण। कृष्ण रक्षति जगत त्रयम गुरु। पुकारना चाहिए भगवान को, भगवान दिल पर प्रकाशित कर देगा, हमारा भाव अनुसार गुरु को ला के देगा। करो, कैसे पता चलेगा? जो कुछ बोला सब अच्छा लग रहा। जो व्यक्ति को भगवान भिजवा देगा हम सब हमारा गुरु के लिए, वो जो बोलेगा हमारा अच्छा लगेगा, हमारा एक्सेस मिलेगा, संग करने का मौका मिलेगा, कथा सुनने का मौका मिलेगा, सेवा करने का भी मौका देगा, और सब कुछ अच्छा लगेगा। 6 महीना इस प्रकार होने से तो सोचो कि हाँ इसी व्यक्ति को भगवान भिजवा दे हमको, हमारा गुरु, ये हमारा गुरु भगवान भिजवा दिया। इस प्रकार शरणागत हो करके जब हम लोग साधना में प्रवेश करेगा तो देखो सारी चित्त शांत हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, संबंध बनेगा, संबंध सहित आसक्ति। जब संबंध भगवान से बनेगा दुनिया के झारा आसक्ति अपने आप चला जाएगा, किसी कुछ नहीं चाहिए। देखो दुखी कृष्णदास का नाम सुना,
दुखी कृष्णदास का नाम सुना कभी दिन? दुखी कृष्णदास जो बाद में समानंद हुआ, हाँ जीव गोस्वामी पद कौन सभा में लगा दिया था? झाड़ू से बमल लगा दिया, तुमको देने से क्या बोलेगा? दश व्याकुप, मैं एमटेक पास करके आया, इतना बड़ा कंपनी में काम करता था, एमबीए भी किया, हमको एक झाड़ू से बमल लगा दिया ना क्या? हाँ, झाड़ू देते देते दुखी कृष्णदास पूरा प्यार से झाड़ू दिया, क्या मिला था उनका? किसका नुपुर? हाँ वो अच्छा है ना नुपुर, बुरा है? बोलिए अच्छा है ना बुरा है? अच्छा। बहुत ही अच्छा है, देखो अच्छा ना। हाँ देखो ये नुपुर, राधा रानी का पैर का नुपुर मिल गया, और फिर से फिर भी राधा रानी का दर्शन भी हो गया, नुपुर का तिलक भी राधा ने लगा दिया, हर श्यामानंद बना दिया शरणागत। उनका गुरु कौन है? हृदय चैतन्य, पूर्ण शरणागत था। तो जो भी हो, समय तो बहुत हो गया, और कहने का मतलब यही कीजिए, शरणागत हो करके जिसके पास शरणागत, गुरु वैष्णव भगवान के पास शरणागत, गुरु वैष्णव भगवान ये तीनों के चरण में शरणागत होकर, मतलब वो जो बोला वही करना चाहिए, प्रभुपाद जो बता दिया वही करो। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जो बता दिया हम सबको, हम सबका भलाई के लिए जो बता दिया वो करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। जब करोगे तब भक्ति का खुशबू मिलेगा। खुशबू है क्या? खुशबू मतलब आनंद, हमेशा के लिए आनंद मिलेगा। इसलिए नाम करिए, अपराध सुनने का नाम करिए, सबका सम्मान दीजिए, जथा जथा सम्मान, हमारा पद नहीं, महाप्रभु का कथा है, अमानिना मानो देना, वही शब्दों को लेकर के भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा ही लिखा, सकले सम्मान करीते सकती देहो नाथ जथा जातो, तबे तो गाई बोहरि नाम सुखे अपराध हबे हतो। आपको ताकत दीजिए सबको सम्मान देने के लिए, यथाजग संबंध, ड्यू रेस्पेक्ट, भाषा से किसी को दुख नहीं देगा, ऐसा भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका दिल दुख था। शब्दों को मीठा करके बोलना चाहिए, नेगेटिव भी हो मीठा करके बोलना चाहिए। वैष्णव का शब्द ऐसा है, ठीक ठीक है, हम अगली साल जब आएगा ना भगवान लेके आएगा तो आएगा जा सकता, तो आएगा तो तब हमको याद दिला देना, हम बता देगा किस तरीका से कथा, मन कथा को बोलना चाहिए वैष्णव। आज कथा करने का तरीका अलग हो गया, कथा बोलने का तरीका अलग हो गया, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा। और वैष्णव धर्म गड़बड़ होने के लिए नहीं, वैष्णव धर्म भगवान का सेवा में जोड़ने के लिए, सेवा में आनंद है, आनंद भी होना चाहिए, और सारी दुनिया का आसक्ति छूट जाएगा, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान माया का परीक्षा में पास भी होगा। जो भी हो आप सब ऐसा ही दिल से प्रार्थना कीजिए भगवान के पास, आपके लिए हमारे लिए भी, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए हमारे लिए भी।
हरे कृष्णा। चढ़ाओ ना तब कितना होगा धन की बार। ऐसा हम तो माना कि बार